हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह बघेल और आप देख रहे हैं हमारे मुरैना जिले का यूट्यूब चैनल अपना मुरैना। अगर दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चंबल नदी के इतिहास के बारे में, चंबल के बियर्डों के इतिहास के बारे में, डाकुओं के बारे में, कौन कौन डाकू हुए चंबल नदी के बारे में। वीडियो शुरू करते हैं। चंबल नदी जिसकी बूंद बूंद में समाई है बगावत, चंबल एक ऐसी नदी जिसमें पानी नहीं कभी खून बहता था, एक ऐसी नदी जिसमें मछलियां नहीं कभी लाशें तैरती थीं, एक ऐसी नदी जो प्यास नहीं बुझाती वो आपको प्यासा बनाती है। प्यासा प्रतिशोध का, प्यासा प्रताड़ना का, प्यासा प्रतिष्ठा का, एक ऐसी नदी जिसमें पानी नहीं कभी खून बहता था। जी हाँ दोस्तों, चंबल बियर्ड का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन यह चंबल नदी, चंबल का बीहड़ कैसे बना, इसकी अहम कहानी क्या है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, महू, जालौन, कानपुर देहात, राजस्थान के धौलपुर, कोटा तक चंबल लगभग 1000 क्षेत्र में बहती है। बीहड़ के बीचों बीच देश की एक ऐसी सुंदर और स्वच्छ नदी चंबल बहती है। यह भारत की इकलौती ऐसी नदी है जो प्रदूषण से मुक्त है। इसके जल को ना तो इंसान पी सकते हैं और ना जानवर। चंबल को सापित नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी के बारे में पुराणों में लिखा है कि चंबल नदी का जिक्र महाभारत काल में मुरैना के पास इस नदी के तट पर शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों के पराजित कर द्रौपदी का चीर रण किया था। धौलपुर का सामंत चंड महासेन को चंबल के बीहड़ का पहला डाकू कहा जाता है, जो अपने अधिकार छीन लिए जाने पर बगावत कर डाकू बन गया था। यह राजा भोज के राज्य में कारोबारियों को गुजरात से लौटते वक्त चंबल के घाटों पर रोककर लूटा करता था। चंड ने बीहड़ों के छोटे छोटे किले बनवाए थे, इसमें उसकी सेना ठिकाने रहती थी। ये चंबल की धरती है, दूर दूर तक फैली हुई ऊंचे नीचे घाटियां जिन्हें चंबल वालों का जवाब में बीहड़ कहते हैं। अपनी खामोशी से ये इनकार कर रही है कि जब जब चंबल का कोई बेटा कानून का रास्ता भूला तो वह यहीं बीहड़ों में आके निकला। मशहूर डकैत मान सिंह, लक माधो सिंह, विक्रम मल्ला, फूलन देवी जैसे कदमों के निशान आज भी इस मिट्टी में ढूंढे जा सकते हैं। डकैत बीहड़ों में पनाह लेते थे जब भी वो जन्मे। सच तो यह है कि डकैत जन्म ही नहीं लेते थे, इसलिए कि जन्म से कोई भी डकैत नहीं होता। बीहड़ों के चारों तरफ बने अनगिनत गांव और बस्तियों में माएं बच्चों को जन्म देती हैं और बड़े होकर वो डकैत बनते हैं या बनाए जाते हैं। चंबल में जिंदगी का ये पहिया न जाने कब से यूं ही चल रहा है। पानी पिए जाने पहले चंबल के पानी के बारे में, चंबल के बारे में कहा जाता है कि पानी पीछे पीना पहले तू गोली छोड़, पानी पीछे पीना पहले तू गोली छोड़, मौत से टकराना इसकी शर्त पुरानी है, सोच समझ कर पीना ये चंबल का पानी है, सोच समझ कर पीना ये चंबल का पानी है। चंबल के बीहड़ों की ना जाने ऐसी कितनी ही बगावत की दास्तां हैं जो अपने अंदर दफन के लिए बैठी हैं। जी हाँ दोस्तों, चंबल में अनन्य डकैत हुए, काफी डकैत हुए। कुछ चुनिंदा डकैतों के नाम हम बताते हैं, उनके बारे में उनकी कहानियां सुनाएंगे। जैसे डकैतों की सूची में जैसे डाकू मान सिंह, पान सिंह तोमर, रामबाबू दयाराम गडरिया, मलकान सिंह, फूलन देवी, सुल्ताना डाकू, डाकू पान सिंह बघेल, ददुआ, निर्भय गुर्जर, जगजीवन परिहार, पुतलीबाई, सीमा परिहार, अनीसा बेगम, सरला जाटव, डाकू गब्बर सिंह, छविराम यादव, चंदन सिंह बघेल, सलीम गुज्जर, कलुआ यादव, मलंगी, रमेश सिंह सिकरवार, अमृत लाल सिकरार, डाकू बलवंत सिंह, मुन्नी पांडे और नीलम। अब एक एक करके इन डाकू के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। डाकू मान सिंह के बारे में, डाकू मान सिंह भारत की आजादी के पहले और आजादी के बाद तक सक्रिय था। वर्ष 1935 से 1955 के बीच डाकू मान सिंह ने 1112 डकैतियों की वारदात को अंजाम दिया। उसने 182 हत्याएं, जिसमें 32 पुलिस अधिकारी थे। मान सिंह ने अपने पुत्रों, भाइयों और भतीजे की बदौलत चंबल के इलाके में एक छत्र राज किया। मान सिंह को स्थानीय लोग दयावान मानते थे, जो गरीबों की सेना में तत्पर और गरीबों की सेवा में तत्पर। वह अमीरों को लूटकर धन गरीबों में बांट दिया करता था।
वर्ष 1955 में सेना के जवानों ने भिंड में मानसिंह और उसके पुत्र सूबेदार सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी। यहाँ के इलाके में मानसिंह का एक मंदिर है जहां उसकी पूजा की जाती है। अब बात करेंगे डकैत पान सिंह तोमर के बारे में। डकैत पान सिंह तोमर ग्राम बड़ौसा चंबल मुरैना का निवासी था। पान सिंह तोमर भारतीय सेना का एक जवान था और एक राष्ट्रीय एथलीट भी था। पान सिंह तोमर को दौड़ने में महारत हासिल थी जिसके लिए उसे कई बार सम्मानित किया गया, लेकिन सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद जब वह अपने गांव पहुंचा तो कुछ परिस्थितियों के कारण डकैत बन गया और चंबल घाटी में दहशत फैला दी। पुलिस द्वारा 1981 में पान सिंह एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। और अब हम बात करेंगे रामबाबू और दयाराम गडरिया के बारे में। रामबाबू और दयाराम गडरिया भाई थे जो बाद में कुख्यात डकैत बन गए। मध्य प्रदेश पुलिस ने उनके ग्रोह को टारगेट वन का नाम दिया था। यह ग्रोह इतनी सफाई से काम करता था कि पुलिस को यह तक नहीं पता चलता था कि इसके आखिर कितने सदस्य हैं। रामबाबू और दयाराम ने एक साथ मिलकर 14 गुर्जरों को लाइन में खड़ा करके उनकी हत्या कर दी। 2006 में और 2007 में दयाराम और रामबाबू गडरिया पुलिस मुठभेड़ के दौरान मारे गए। अब बात करेंगे मलकान सिंह के बारे में। डाकू मलकान सिंह के एक डकैत और डकैत से सामान्य आदमी बनने की कहानी दिलचस्प है। जमीनी विवाद के चलते गांव में सरपंच ने मलखान के मित्र की हत्या का आरोप मलखान के ऊपर लगवा दिया और उसे गिरफ्तार करवा दिया। इसके विरोध के स्वरूप मलखान सिंह राइफल उठा ली और खुद को बागी घोषित कर दिया। वर्ष 1982 में मलखान सिंह ने मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अगली डकैत फूलन देवी। भारतीय डकैतों की लिस्ट फूलन देवी के बगैर पूरी नहीं हो सकती। गरीब मल्ला परिवार में पैदा हुई फूलन की शादी बचपन में ही कर दी गई थी, लेकिन वह पति को छोड़कर अपने साथियों के साथ अपराध की दुनिया में उतर आई। फूलन देवी सबसे ज्यादा चर्चा में तब आई जब उसने बरवई गांव में 22 राजपूत को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी। फूलन देवी बाद में सांसद बनी, लेकिन उसके दुश्मनों ने उसे 2001 में गोली मारकर हत्या कर दी। सुल्ताना डाकू 20वीं सदी का पहला और सबसे ज्यादा चर्चित डकैत माना जाता है। 1920 के दशक में उत्तर प्रदेश के प्रांतों में सुल्ताना का खौफ था। अब बात करेंगे डाकू पान सिंह बघेल के बारे में। डाकू पान सिंह बघेल मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का निवासी था। किसी सामाजिक बात के चलते पान सिंह बघेल ने बंदूक उठा ली। अब बात करेंगे ददुआ के बारे में। करीब 2 दशक तक बुंदेलखंड में आतंक का पर्याय रहा डकैत शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ। निर्भय गुज्जर। डकैतों के लिए बदनाम रहा मध्य प्रदेश की चंबल घाटी में कुख्यात डकैत निर्भय गुज्जर का आतंक रहा। निर्भय गुज्जर के 30 साल अपराधी करियर में उसके खिलाफ 205 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। जगजीवन परियार। उत्तर प्रदेश के करौला गांव में जगजीवन परियार ने एक ब्राह्मण परिवार के मुखिया की हत्या कर दी। इस घटना के बाद वह डकैत सलीम गुर्जर के ग्रोह के साथ जुड़ गया। जगजीवन परियार ने प्रण किया था कि वह अपने जीवन काल में 101 लोगों की हत्या करेगा। डाकू पुतलीबाई। उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक पुतलीबाई भारत की प्रथम महिला डकैत थी। पुतलीबाई एक नर्तकी थी जिसकी अपहरण सुल्ताना डाकू ने कर लिया था। बाद में पुतलीबाई ने सुल्ताना से प्रेम हो गया और उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। सीमा परियार। वर्ष 1983 में सिर्फ 13 साल की आयु में डकैत लाला राम और कुसुमा नाई ने उसका अपहरण कर लिया। बाद में वह डकैत बन गई। सीमा परियार ने 70 लोगों की हत्याएं और 200 लोगों का अपहरण किया। अनीसा बेगम कोई भी हथियार आसानी से चला सकती थी। उसे न केवल लाठी चलाने का ज्ञान था बल्कि वह राइफल छुरी चाकू आदि से हमला करना जानती थी। सरला जाटव। निर्भय गुर्जर की मौत के बाद सरला जाटव ने उसके गिरोह की कमान संभाल ली। सिर्फ 11 साल की उम्र में ही सरला का अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद वह डाकू बन गई। ये थे चंबल के कुछ चुनिंदा डाकू। और भी चंबल में काफी डाकू हुए हैं, आप इंटरनेट पर गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। जय हिंद, जय भारत।